गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसमें हम आए थे IVF। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक इज ब्लेसिंग फॉर दोज कपल सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इन एक्सक्यूल फर्टिलाइजेशन But binary fission in amoeba and budding in hydra are type of asexual reproduction. Dolly sheep is a result of successful cloning. ये chapter 9 यहाँ finish होता है। उसके difference है zygote and phoids। तो zygote में पहले आप पढ़ेंगे, it is uncellular। तो फोट्स क्या होगा, इट्स मल्टी सेल्यूअर। जाइगोट इज फॉर्मर बाय फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म। फोटस इज डेवलप फ्रॉम एम्ब्रॉयड। जाइगोट इज फॉर्म इन ह्यूमन फीमेल। तो इसमें क्या है, इट इज डेवलप वॉल इन ह्यूमन फीमेल। जाइगोट इज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फोटस में क्या है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ एम्ब्रो इन विच ऑल ऑफ बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई। फिर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस है। तो इंटरनल में है द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, और एक्सटर्नल में है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फिर इंटरनल में है इट ऑक्यूट इन मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन काउ डॉग हैन, और एक्सटर्नल में है इट इज़ वेरी कॉमन एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश स्टार फिश एक्सेट्रा। फिर आपको अमीबा का पूरा करना है, प्रोसेस ड्रॉ करना है जो IMP है, और MCQ फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। यहाँ ये चैप्टर 9 आपका फिनिश होता है। थैंक यू।